पवित्र दिवस में अच्छे मुहूर्त में कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। 7 दिन तक ये कथा चलेगी। जो भी भक्त इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण करेगा, 7ों दिन श्रद्धा से विश्वास से, तो कथा का ये फल है कि घर में जो व्याधि है वो मिट जाती है, मन में जो चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस भागवत का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र भी इसके महत्व को बताने में असमर्थ हैं। जीवन में जो हमने अज्ञान में पाप किए हैं, मन से किसी का बुरा भी यह सोचा है, तो भागवत कथा के सुनने से उस समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। परंतु सुनना का ढंग, उसका नियम है विधिवत और सच्चे मन से। आज कलश यात्रा आप लोगों ने की। कलश माने होता है कुंभ, घड़ा, क्योंकि जहां भागवत कथा होगी है वहां सारे देवी देवता उस कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं भागवत। इन कलशों में सारे देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए पूरे नगर में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में कलश का जल अर्पण करके और भगवान की कृपा प्राप्त करके 7 दिन तक ये कलश यहाँ रहते हैं। 7 दिन तक का जो कथा का प्रभाव है उससे वो कलश का जल अमृत बन जाता है और फिर कथा विश्राम के बाद ये कलश लोग अपने अपने घरों पर ले जाते हैं। कलश में 3 देवताओं का वास माना गया है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास, कंठे रुद्र समास, जहां पे जोर होता है गला वहां पे भगवान रुद्र का शंकर जी का वास, और मूल में जहां से कलश स्थापन होता है नीचे तरह वहां ब्रह्मा जी का वास। ये 3 देवताओं का वास कलश में माना गया है। इसलिए जो सौभाग्यशाली स्त्रियां कलश को माथे पर रख के चलती है, सर्वप्रथम उनकी बुद्धि में भगवान का वास होता है। जिस प्रकार से आप लोग 16 श्रृंगार करके कलश को उठाते हैं, भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे, आप हमेशा प्रसन्न रहें। इसीलिए कलश का बड़ा महत्व माना गया है और 7 दिन तक कथा का श्रवण करता है
ये कथा के प्रभाव से जीवन बदल जाता है, जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हमारा मूल धन है जो अनबन हमारे साथ जाता है। संसारिक साधन को यही कह रहे हैं, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे पास अपना मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, पग पांडव है, परंतु जब ये शरीर छूट जाता है तो कुछ साथ नहीं जाता। केवल यही जो आप ये धर्म कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, यही पुण्य अंत में साथ जाता है। धर्मानुगच्छति जीव वही बहुत। इसलिए आज से कथा हनुमान जी के श्री चरणों में प्रारंभ हो जा रही होने जा रही है। मैं मंदिर समिति के पदाधिकारी और कथा की तैयारी में लगी हुए सभी लोग और श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भगवान हमें इसका आप लोगों की सद्बुद्धि देते रहे, ताकि बेऊर नगर के इस सुंदर हनुमान जी के मंदिर में धर्म कार्य होते रहे और हमारी उत्तराखंड की जो धर्म भेजा है तीर भूमि की वो नित्य निरंतर रह जाते हैं। तो अभी आप लोग जलपान कार्य कर लीजिए। सायंकाल ठीक 3 बजे कथा का प्रारंभ समय है, थोड़ा आगे पीछे समय हो सकता है।